अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूँ कौन बनेगा जन्नती के पाँचवें एपिसोड में। मैं इस वीडियो में इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले चंद सवालात पूछूंगा और साथ ही उनके जवाब भी बताऊंगा। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको हमारे प्यारे दीन इस्लाम की छोटी छोटी बातें मालूम हो सके और दीन की बात सुनना और सुनाना दोनों सवाब का काम है। तो आइए शुरू करते हैं कौन बनेगा जन्नती। आपका पहला सवाल है, वो कौन सा बादशाह है जिसे अल्लाह ताला ने सिर्फ एक लंगड़े मच्छर से मौत दी थी। आपके ऑप्शन है, पहला फिरौन, दूसरा कारून, तीसरा नमरूद, चौथा इबलिस। इसका सही जवाब है तीसरा, यानी कि नमरूद। नमरूद अपने आप को खुदा समझता था। अल्लाह ताला ने एक लंगड़े मच्छर को हुक्म दिया और वह लंगड़ा मच्छर नमरूद के नाक से होते हुए दिमाग तक पहुंच गया और नमरूद के दिमाग में डंक मारने लगा। नमरूद को जब जूती मारी जाती तो उसको सुकून मिलता, इसी तरह जूती मार मार के उसका भेजा बाहर आ गया और खुद को खुदा कहने वाला नमरूद एक लंगड़े मच्छर से हलाक हो गया। अल्लाह अकबर। आपका दूसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थी। आपके ऑप्शन है, पहला 7 बीवियां, दूसरा 10 बीवियां, तीसरा 12 बीवियां, चौथा 11 बीवियां। इसका सही जवाब है चौथा, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी। आपका तीसरा सवाल है, उस फरिश्ते का नाम बताइए जो अल्लाह ताला का पैगाम नबियों तक पहुंचाते हैं। आपके ऑप्शन हैं, पहला इस्राफिल अलैहिस्सलाम, दूसरा जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तीसरा इज़राइल अलैहिस्सलाम, चौथा मिकाइल अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है दूसरा, यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आपका चौथा सवाल है, पानी बरसाने वाले फरिश्ते का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है, पहला इस्राफिल अलैहिस्सलाम, दूसरा इज़राइल अलैहिस्सलाम, तीसरा मिकाइल अलैहिस्सलाम, चौथा जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है तीसरा, यानी कि मिकाइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से पानी बरसाते हैं और रिज्क बांटते हैं। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा फरिश्ता रूह कब्ज करता है। आपके ऑप्शन है, पहला जिब्राइल अलैहिस्सलाम, दूसरा इज़राइल अलैहिस्सलाम, तीसरा मिकाइल अलैहिस्सलाम, चौथा इस्राफिल अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है दूसरा, यानी कि अल्लाह के हुक्म से इज़राइल अलैहिस्सलाम मखलूक की जान निकालते हैं। आपका अगला सवाल है, दज्जाल का खात्मा करने के लिए कौन से नबी दोबारा दुनिया में आएंगे। आपके ऑप्शन हैं, पहला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तीसरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, चौथा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है तीसरा, जब दज्जाल अपना फितना फैला रहा होगा तब आसमान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और अपनी तलवार से दज्जाल को ख़त्म कर देंगे। आपका अगला सवाल है, शैतान इनमें से क्या है। आपके ऑप्शन है, पहला जिन्नात, दूसरा फरिश्ता, तीसरा इंसान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है पहला, शैतान एक जिन्नात है। इसकी पैदाइश आग से हुई है और ये अल्लाह ताला का नाफरमान है।
आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से पहले शैतान अल्लाह ताला की कसरत से इबादत करने वालों में शुमार था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इबलिस ने उस वक्त सजदा करने से मना कर दिया। तभी से अल्लाह पाक ने उसको मर्दूद करार दे दिया और तभी से उसका नाम शैतान पड़ गया। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखना, एक सजदे का इनकार करने की वजह से शैतान जन्नती से जहन्नमी बन गया। और हम मुसलमान पांच वक्त की नमाज़ छोड़कर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस बात को ज़रा सोचिए। हम रोज़ाना के कितने सजदे छोड़ रहे हैं? पूरे दिन भर की पांच वक्त की फर्ज नमाज में 34 सजदे होते हैं। शैतान ने सिर्फ एक सजदा करने से मना किया था। हम रोज़ाना के 34 सजदों का इनकार करते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। जब दिल में आता है तब नमाज़ पढ़ते हैं और जब दिल निकलता तब नमाज़ नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला की मदद रब चाही नमाज पे है, मन चाही नमाज पर नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को सभी को शेयर करिए, क्योंकि हक बात दूसरों को बताना भी सदका है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप जैसे और मुसलमान भाइयों तक पहुँच सके। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, इंशाल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।